नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिल्ली जाने से पहले पिछली सरकार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ही उन पर पलटवार कर दिया है। रमन सिंह ने कहा है कि 5 महीने में ही प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की तरह पूरी तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है, वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है, त्राही त्राही मची हुई है, त्राही मचा हुआ है, वित्तीय प्रबंधन करना आता नहीं है और इतनी बड़ी असफलता को जनता ने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को नकारा है। अब बहानाबाजी नहीं ढूंढेगा, अब आपको जवाबदारी मिली है, पूरी ताकत के साथ लगनी है और विकास के लिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वंशवाद ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। राहुल के इस्तीफे को लेकर आपको बता दें, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पूरी पार्टी तो साफ हो गई है, अब उनके पास बचा ही क्या है इस्तीफा देने के अलावा। पार्टी को तो साफ हो गया है, अब इस्तीफा भी देंगे तो उसमें बचा क्या है? अब सब इस्तीफा देंगे, मगर ये तो सिर्फ दिखाने का है, वो तो परिवारवाद में कोई उसके सिवाय आज तक इतिहास नहीं रहा है, जो दूसरा राष्ट्रीय थे। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की वजह से दुष्प्रचार कांग्रेस की हार को बताया है। टीएस सिंहदेव के मुताबिक कांग्रेस की हार अप्रत्याशित है। उनका कहना है कि वो इस बात पर कायम है 7 से कम सीटों पर जीत का मतलब नैतिक हार है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा है कि 3 महीने के भीतर ही जिस राज्य में जनता को 25 से 30 हजार करोड़ की राहत दी हो, जिस राज्य ने, उसकी ऐसी हार की क्या वजह हो सकती है? जब उनसे पूछा गया इस पर हार का उनका व्यक्तिगत आकलन क्या है, तो उन्होंने इसका सबसे बड़ा कारण दुष्प्रचार और मोदी के सामने यूपीए का कोई चेहरा न होना बताया। सबसे बात है कि वहाँ पर लोगों ने बात मना करने के बाद भी एक माहौल बनाया प्रचार में कि अपने क्षेत्र में किसी को आगे बढ़ना है, किसी को आगे बढ़ना है। मैंने बहुत मना किया था लेकिन लोग हैं, नहीं मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं और निराश भी हुए है। लेकिन हार का एक ही कारण बन जाए तो फिर और जगह क्यों हारे? झारखंड में क्यों हारे? उड़ीसा में क्यों हारे? वहां तो कोई नियत बाबा नहीं थी। मध्य प्रदेश में क्यों हारे? राजस्थान में क्यों हारे? गुजरात में क्यों हारे? महाराष्ट्र में क्यों हारे? डोंगरगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित सांसद संतोष पांडे मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने संतोष पांडे का जोरदार स्वागत किया। संतोष पांडे ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। चुनाव के दौरान कैंपेनिंग के समय भी समस्या आई, ऐसा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डेढ़ दो दो किलोमीटर तक पानी भरने के लिए आते और पानी लेकर के जाते हैं, साइकिल में 5-5, 10-10 लीटर, 20-20 लीटर के केन में। तो मैं ये मानता हूँ कि काम तो हुए हैं किंतु अभी और काम की गुंजाइश है। पेयजल है, सिंचाई की सुविधा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और आम जनता जिसको प्राथमिकता से कहेगी उसमें हम। झिरमघाटी नक्सली हमले में शहीद हुए लोगों को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी है और उन्हें शहादत के रूप में इस दिन को मनाया है। आपको बता दें, 6 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली हैं। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये हमला सुपारी किलिंग था, जो सोच समझ कर हमला किया गया था और इसी हमले पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झीरम का अधूरा सच नाम से बुक निकाली है। झीरम कांड को आज 6 बरस हो चुके हैं, यानी आज 6वीं बरसी है जिसे कांग्रेस आज शहादत दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन 6 बरस के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और जो भी टीम गठित की गई है इसमें वो बेनतीजा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास हैं कुणाल शुक्ला जी, प्रीति उपाध्याय जी, तो इनसे जानेंगे जो झीरम घाटी पर बुक लिखे हैं और काफी कुछ रिसर्च किए हैं, तो आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। जी प्रीति जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक किसी का दायित्व तय नहीं किया गया है इसमें।
बिल्कुल देखिए, इसके घटना के कुछ दिनों के अंदर ही विधानसभा में स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, गृहमंत्री ने, दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि चूक तो हुई है, तो और इस पे षड्यंत्र का एंगल भी है। जब तक नतीजे नहीं आते सामने, चाहे चूक हो या षड्यंत्र, मेन बात यह है कि आज तक जवाबदेही कुछ भी तय नहीं हुई है। चूक तो निश्चित तौर पर थी, जब चूक थी तो क्यों आज तक इस चूक का के पीछे जिम्मेदार कौन था, कौन अफसर थे, या कोई हवलदार भी अगर था जिसकी चूक थी, तो उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई। ये आज के छह साल बाद, इस घटना के छह साल बाद, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जी, हमारे साथ कुणाल शुक्ला जी भी हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपने काफी कुछ इसमें रिसर्च किया है, क्या मायने समझ में आ रहा है इसमें, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है अब तक? देखिए, NIA की जांच जो हुई है उसमें अपनी कुछ बहुत सी छोटी छोटी चूके हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का जो बयान NIA को लिया जाना था, NIA ने वह लिया नहीं। कुछ लोगों ने शपथ पत्र भी दिया, जैसे कि मैं नाम लेके कहना चाहूंगा, दौलत रोहड़ा जो कि विद्याचरण जी के काफी करीबी लोगों में है, विद्याचरण शुक्ल के जो ड्राइवर जो थे के बाला, उनका भी कथन बयान उनको लेना था, परंतु NIA ने लिया नहीं। ऐसे कई प्रत्यक्षदर्शियों को मैं जानता हूं घटना स्थल में होने के बाद भी आज तक पुलिस या NIA ने यह नहीं पूछा कि हुलिया क्या था, जो नक्सली कमांडर था उनका स्केच जारी किया जाना था। आप देखेंगे कि छोटे मोटे मामलों में पुलिस जो है चैन छीनने वालों का या पॉकेट मारों का स्केच जो है जारी कर देती, परंतु इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, आज की दिनांक तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देशवासी जानते नहीं है कि नक्सलियों का हुलिया क्या था। जी, आपने काफी रिसर्च किया इसमें, तो ये एक षड्यंत्र था या वारदात थी? निश्चित रूप से मैं तो उसको एक षड्यंत्र मानूंगा, मैं इसको मानूंगा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हमको जानना होगा इस घटना को अंजाम दिए जाने से किन लोगों को फायदा होने जा रहा था। नंद कुमार पटेल के नहीं रहने से आखिर किसको फायदा होता, विद्याचरण शुक्ल के नहीं रहने से आखिर किसको फायदा होता, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जैसा जो है व्यक्ति मारा जाता है, उनके नहीं रहने से इसमें किसको फायदा होता। और मैं बताऊंगा आपको, एक प्रकार से सुपारी किलिंग थी ये, वहां पे नक्सलियों ने नाम पूछ कर मारा कि कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है जो अन्य लोग हैं, उनका नाम वहाँ पे लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने हमको ये चीज बताई है। ये थे कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि अब तक किसी का जिम्मेदार तय नहीं किया गया है, ये किसी भी प्रकार की घटना नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी, लेकिन पुलिस के जो कार्रवाई है उस पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बुक है जिन पे उन्हें रिसर्च किया काफी दिनों के बाद, ये बुक को निकाले, इसके आधार पर वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी ये सबके सामने देखने वाली बात होगी। कैमरा मैन राहुल के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और कपिला पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु आहार आशीर्वाद के रूप में, इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, AT, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। जब आपके पास वेट गेनर हो पास, तो आपको मिलती है दमदार बॉडी। सही बात। हाय, आपके पास सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ दे प्यार। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते, उनके लिए देश की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। वैसे ही जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल से बढ़कर कुछ नहीं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल PM नरेंद्र मोदी के इस जज्बे को सलाम करता है। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास।
महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। जब एक्यूवास वेट गेनर हो पास तो आपको मिलती है दमदार बॉडी। सही बात। हाय एक्यूवास सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ दे दे प्यार दे। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज झीरम हमले की बरसी है, इसको लेकर आज शहीद दिवस कांग्रेस ने मनाया है। बस्तर में महेंद्र कर्मा भी इस हमले में मारे गए थे। बस्तर की राजनीति में जननायक माने जाते थे महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। 25 मई 2013 को झीरम में नक्सलियों के नरसंहार में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरे विचार विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियर, नंद कुमार पटेल सहित कई लोग आज कांग्रेस में आज हम सबके बीच नहीं रहे। तब से हर वर्ष बस्तर टाइगर की इस कुर्बानी पर श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। आज तमाम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और दंतेवाड़ा जिले में छठवीं पुण्यतिथि आज मनाई गई। झीरमघाटी नक्सली हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि देने वालों में कांग्रेस के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर टीएस सिंहदेव ने झीरमघाटी को एक साजिश करार देते हुए कई सवाल उठाए। वहीं इस घटना में किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटने वाले लोग नाराज भी दिखे। उन लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो वहीं कांग्रेस के शिव ठाकुर ने कहा, आज भी उनके बदन में गोलियों के छर्रे के निशान हैं। स्वयं निकल के गया था और सारे रस्ते के वाकियां मैंने स्वयं भी कमीशन के सामने रखे थे। आज वो कमीशन की जानकारियां अभी तक क्यों नहीं है। झीरमघाटी के नक्सली हमले में शहीद हुए लोगों को नम आंखों से याद किया गया, साथ ही लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि में शामिल हुए लोगों ने सभी शहीदों को याद किया। उच्च शिक्षा खेल मंत्री उमेश पटेल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, आज भी वो घटना याद आती है तो बेहद दुख होता है। आज हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और इसलिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। झीरमघाटी नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेसी नेताओं को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। कांग्रेस के नेताओं ने इस याद में शहीद दिवस मनाया। झीरमघाटी हत्याकांड में कांग्रेस के नंद कुमार विशी शुक्ला, महेंद्र कर्मा सहित कई नेता मारे गए थे। वहीं आज हालत यह है कि झीरम में मारे गए नेताओं को याद करने वाले कांग्रेसी भी गिने चुने बच गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि पांडे ने नेताओं के नहीं पहुंचने पर कहा कि उनका कार्यक्रम तय समय पर होता है, लेकिन लोगों की आजकल जीवन शैली बदल गई है। देर से सुबह उठते नहीं, इसलिए नहीं आते। लोकसभा में हार का यही कारण है। ज्यादातर कांग्रेसी घर में बैठकर प्रचार करते हैं, लेकिन सुधरे नहीं। उनके इस प्रदेश में, इस देश को बनाने में जो योगदान रहा, उनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 7 साल होने के बाद भी ना केंद्र की सरकार और ना राज्य सरकार द्वारा उन शहीदों को किसी प्रकार का न्याय मिल पाया है। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले सिंघानिया बिल्ड आइकॉन के फाइनेंस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आरोपी पुष्पक सरवटे मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो लोगों से प्लॉट, मकान, फ्लैट और दुकान के फाइनेंस कराने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी ने अब तक 46 लाख से ज्यादा की चपत लोगों को लगाई है। फाइनेंसिंग का काम करते थे, उनके द्वारा तकरीबन कंपनी की 31 लाख रुपया का उसने धोखाधड़ी करी थी। ब्लास्टर में हुई आगजनी की घटना के बाद अब पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है।
आग लगने के कारणों की जांच के लिए एसडीएम के माफ कीजिएगा एडीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। कलेक्टर संजय अलंग ने बताया है कि जांच की जा रही है, दो चार दिन में जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब जाकर आग जलने की घटना के बारे में पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। साथ ही सीओ रितेश अग्रवाल का कहना है कि इससे कोई काम प्रभावित नहीं होगा क्योंकि जो दस्तावेज जले हैं उनकी कॉपी कंप्यूटर में सेव है। राजधानी रायपुर के डीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मृत्यु दर इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही है। रोज अस्पताल में 200 से 300 के बीच सभी प्रकार के मरीज आते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मरीजों की संख्या ज्यादा है और वे क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, इसलिए मौत हो रही है। अधिकारी शायद भूल गए हैं कि यह अस्पताल इसलिए बनाया गया है कि मरीजों को मौत के मुंह से निकाला जा सके। आया है कि मृत्यु दर में यहाँ उछाल आई है, क्या कुछ कारण है इस मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ अधीक्षक कमल किशोर जी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। सर, मृत्यु दर अप्रैल महीने में 43% पहुंच चुकी है, क्या कारण है? एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, आपको मालूम है अभी ये लोग छुट्टियों का समय है और एक्सीडेंट के कारण ये जो आया है। एक्चुअल में मृत्यु दर अस्पताल के मिसमैनेजमेंट के कारण नहीं होता है, और बहुत सारे कारण रहते हैं। जैसे हमारे पास में तीन डिपार्टमेंट जो मुख्य है, जले हुए मरीज आते हैं हमारे पास 80 से 85% बर्न वाले, अब उसमें क्रिटिकली ईल हो जाते हैं बहुत सारे पेशेंट, तो उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। उसी प्रकार न्यूरो सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत हेड इंजरी के जो पेशेंट आते हैं जिसमें बहुत सारा ब्लड चला जा रहता है और हमारे डॉक्टर लगातार उसको मैनेज करते रहते हैं, परंतु ऐसा मुझे नहीं लगा कि हमारा मृत्यु दर बढ़ा है करके, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस हमारे पास ज्यादा है तो हमको ऐसा लगता है कि मृत्यु दर बढ़ा है, क्योंकि वैसे ही हमारे जो क्रिटिकल केयर यूनिट में जो हमारे नेफ्रो के पेशेंट है जो डायलिसिस होता है, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भी जो लॉन्ग ड्यूरेशन में जो उसका चलता है डायलिसिस 2-3 घंटा या 2-3 साल 5 साल, उसका अल्टीमेटली एंड तो वो होता ही है, उसके कारण ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लग रहा है कि मृत्यु दर बढ़ रहा है। हमारे तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज के अच्छा उपचार करें। मरीजों का परिजनों का कहना है कि उनको समय पे दवाई नहीं मिल पा रही है और कई कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ मौत हो रही है, आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल, मेरे पास डेली के 10, मैं तो खुद आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ, मैं खुद अपने हाथ में लिया हूँ एलपी का जो भी काउंटर स्लिप है, मैं खुद साइन करता हूँ। सभी मरीजों को समय पे दवा मिल रही है, ये कहना गलत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे डॉक्टर सतत निगरानी करते हैं मरीजों की और इसमें कोई कोताही बरती नहीं, और मैं खुद स्वयं अपना पर्सनल इंटेंशन लेके मरीजों से मैं बात भी करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे डायरेक्ट कंप्लेन करें। 32% तक मृत्यु दर पहुंची है, तो इसके समीक्षा के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ प्रति माह जो मृत्यु दर के बारे में चर्चा की जाती है, हर विभाग का एक एक रेसिडेंट एक कंसल्टेंट, हम उस पर चर्चा करते हैं कि कारण क्या है। अधिकतर जो हमको प्राप्त हुआ है, जो वही जो मैं आपको बताया न्यूरो सर्जरी के जो पेशेंट है, हेड इंजरी के हैं, अब हेड इंजरी का पूरा क्रश ब्रेन रहेगा, अब वो हमारे कोशिश से 2-3 दिन जिंदा रह सकता है, उसके बाद देखो जो चीज नेचुरल है वो तो हम कुछ बदल नहीं सकते उसको। उसी प्रकार जो आपको मैं बताया किडनी डिजीज की जो बीमारी है, लंबी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, परंतु आप जो बोल रहे हैं मृत्यु दर बढ़ गया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है इसलिए आपको रेशियो ज्यादा लग रहा है। जो डेथ रिव्यू कमेटी है उनका क्या समीक्षा में क्या सामने आया है? मैंने वही बताया ना आपको, मोस्टली जो पेशेंट आते हैं या तो क्रिटिकल इल रहते हैं, नहीं तो आप मरीज से सर्वे करा लीजिए, आप जो मरीज नॉर्मल रहते हैं या जो ठीक हो जाते हैं, जैसे कई मरीज हमारे डायलिसिस के मरीज है बहुत अच्छे हो जाते हैं, और कई मरीज तो 4-5 डायलिसिस के बाद में नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, और जो मरीज लगातार 10-15 साल से करवा रहे हैं तो बहुत दिन तक तो काम नहीं कर सकती कोई चीज आर्टिफिशियल। ये थे हमारे साथ डीकेएस हॉस्पिटल के अधीक्षक कमल किशोर जी, जिनका कहना है कि उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है और वो हॉस्पिटल में आते हैं जब तक उनकी स्थिति क्रिटिकल हो जाती है, तो इस तरह मौत के कुछ कारण सामने आए हैं, क्या इसको डीकेएस प्रबंधन दूर कर पाती है, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन राहुल के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और खबर डिंडौरी से है जहां दो तेज रफ्तार ट्रक आपस में टकरा गए जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोट आई है।
जबकि दूसरे ड्राइवर को मामूली खरोश आई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रक मौके पर पलट गया। पुलिस ने पलटे ट्रक से ड्राइवर को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां रहवासी इलाके में आग लगने से नवागढ़ के बाबा पारा में चार घर जलकर राख हो गए। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर पानी खत्म हो गया, जिसके बाद वार्डवासियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला है और प्रशासन में मुआवजे की मांग यहां लोगों ने की है। रायपुर में एक महिला की जलकर मौत हो गई। घटना तेलघानी नाका इलाके की है। बताया जाता है कि एक निर्माणाधीन प्लॉट में काम चल रहा था, इस बीच यहां अचानक आग लग गई और इसमें झुलसकर सुनीति साहू नाम की महिला की मौत हो गई। मामला यहां मजदूरी का था। महिला मजदूरी का काम करने यहां आती थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वो वहां अकेली थी। आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चला है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोधाबाजार कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम सुईया के पास मुख्य मार्ग में रिक्शा में गोबर का कंडा भरकर अपने पति के साथ पैदल आ रही महिला को पीछे से लोडिंग ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने लगभग दो घंटे चक्का जाम किया। पुलिस के समझाने पर और तहसीलदार के पहुंचने पर मुआवजा शीघ्र दिलाने की बात परिजनों को कही, तब जाकर कहीं परिजन माने। गाड़ी वाला आया एकदम रॉन्ग साइड से, मेरा बीबी को एकदम धक्का मारा, फट से बचा तो मैं बोला मेरा बीबी किधर गया। देखा तो कम से कम 100 मीटर दूरी में मेरा बीबी फड़ाक से गिर गया गाड़ी के नीचे से। पता चला हो जाने की और उनसे बात की और उनका मुआवजा जो है जल्द हम दिलाने को उनके राजी होने पर 100 वहाँ से उठाकर मशीन में बढ़ पाए। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहाँ ग्राम बुंदेला में एक युवक ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने खुद पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। 3 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों में आए दिन छोटी मोटी बातों पर विवाद होता रहता था। देखा तो रोज लड़ाई झगड़ा करती, गलती किया अपना स्वीकार किया। सूर्यनारायण क्षेत्र का मामला है, ग्राम बुंदेला निवासी उषा बर्मन की मृत्यु के संबंध में थाना में सूचना मिली थी, जिस पर से तत्काल थाने की टीम मौके पर गई। मौके पर जाके देखा तो मृतका के पति मनोज वर्मन, जिसने अपनी पत्नी के साथ रोज रोज के विवाद होने के से परेशान होकर अपनी पत्नी के गला घोटकर हत्या स्वीकार किया है, जिस पर से आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं जांजगीर चांपा में एक युवक को शराबी दोस्त का साथ महंगा पड़ गया। शराबी दोस्त ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे, नहीं देने पर दोस्त को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डेड बॉडी तुलसी पटेल के घर में मिली थी, इस पर से तुलसी पटेल के पता तलाश किया गया जो वहां से फरार दिख रहा था, अतः उसके पता तलाश है तो मुखबिर लगाया गया। मुखबिर की सूचना पर से आरोपी तुलसी पटेल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। उस पर से उसने मृतक ननकनिया देवांगन के साथ शराब पीने की बात को लेकर विवाद होना बताया और शराब पीने तो उसे पैसा मांगा, पैसा ना देने पर से गला दबाकर पैर से उसका गला दबाया, पैर और जूते से और उसकी मृत्यु कारित कर दी। वहीं जांजगीर चांपा में एक चाचा ने संपत्ति के लालच में अंधा होकर अपने ही 8 साल के मासूम भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। परिवार में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। तो मुखबिर लगाए गए, मुखबिर और ग्रामजनों से गांव के अन्य लोगों से पूछताछ करने पर सभी लोगों ने उसके चाचा पर ही संदेह व्यक्त किया, जिस पर से उसके चाचा अजीत खान को भी रक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पड़ोसी के यहाँ जन्मदिन पार्टी में गई एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है।
बलौदा बाजार के जुनवानी गांव में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने घर की ही बहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से लाखों के जेवर और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। रामबाई निषाद महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके सूने मकान में लाखों की चोरी हुई है। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो घर की बहू ही चोर निकली। अब खबर कोरबा से है, जहां रेलवे पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए ट्रेन से कोयला चोरी करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि दोनों महिला मोदी सागर पारा की रहने वाली हैं। दोनों मालगाड़ी की बोगी से कोयला बीनती थी और कोयले को बेचती थी। मामला एक 2 महिलाएं हैं जो पोखट पारा की रहती हैं। कभी कभार गाड़ी सिग्नल नहीं रहने से रुकती वहाँ पे होम सिग्नल पे, तो ये लोग मालगाड़ी के ऊपर चढ़ करके कोयला उतारते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। पुलिस ने बीते दिनों गुड़िया यारी के एक मकान में सूने मकान में चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि दोनों आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात सहित 2 लाख से ज्यादा नगद, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वहीं दोनों आरोपी नशे की लत और अन्य शौक को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ऊपर में रोक लिया कि नहीं, और बाकी 2 लड़के नीचे जाके वहाँ जितना भी रकम था उसको लेके फरार हो गए थे। बड़ी सरगर्मी से तलाश करने के बाद 2 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त में है। दोनों पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। उनके कब्जे से तकरीबन 2.5 लाख नगद और 50,000 के जेवरात मिले हैं। टोटल 4,80,000 के इसमें रकम की चोरी की रिपोर्ट हुई थी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।